होप आप ठीक होंगे अलग विजगम से। मैं भी ठीक हूँ। जो मैं चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो गाइज, मैं जा रही हूँ DHA रहबर अपनी पप्पा की कॉलोनी में, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मैं आपको भी दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में, और मैं भी आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। भाई इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बने हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे ट्रीज के हैं, पीछे गुजर गए थे, इतने प्यारे प्यारे थे। और ये भी एक कॉलोनी है जो मेरे सामने है, ये वाली आप लोगों के सामने, ये वाली कॉलोनी है एक। और तो ये तो नहीं है DHA रहबर कॉलोनी, देखें यहाँ पे फ्लावर्स के साथ हैं, देखें कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, देखें कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बेंच हैं और ट्रीज हैं, देखें कितना प्यारा लग रहा है। बस आप ये बताएं प्यारा लग रहा है ना। तभी हम लोग DHA रहबर कॉलोनी के रास्ते से जा रहे हैं उधर, तो मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस ये देखिए यहाँ पे आगे कितने प्यारे प्यारे वो लकड़ियाँ हैं, और ऊपर देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं बर्ड्स हैं, और ये चिड़िया के घोंसले हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। गाइस देखिए यहाँ पे छलियाँ हैं और मैंगोज हैं, और यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, कितने प्यारे प्यारे फ्रूट्स हैं। देखिए वहाँ पे फुवारा लाल पैन है, फुवारा देखिए है, ये है पीछे वाइट वाला है, और यहाँ पे ज़्यादातर अब मैंगो है क्योंकि मैंगो का सीजन आ गया है, समर है। तकरीबन यहाँ पे सारी नर्सरीज ही हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे गमले वगैरह हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ दूर दूर तक लाइन में लाइन नर्सरीज आ रही हैं, देखिए यहाँ पे गमले हैं ज़्यादा, और इनकी शेप मैंने एक पीछे देखा, मतलब एक है उससे पीछे नीचे पानी आ रहा है, उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे पौधा, इतना प्यारा लग रहा था ना वो। हम लोग DHA रहबर कॉलोनी में पहुंच चुके हैं, देखें कितना ज़्यादा प्यारा है इसका एंट्रेंस है, कॉलोनी की एंट्रेंस देखें कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। गाइस हम लोग DHA रहबर के पहले गेट पे पहुंच चुके हैं, देखें कितनी प्यारी लग रही है इसकी एंट्रेंस। अभी जब आप कॉलोनी में एंटर होगे फिर देखना कितना प्यारा लगेगा। वाओ देखें कितना प्यारा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। आप गाइस बताएं कि आपको मेरी पप्पा की अभी मतलब। सो गाइस ये पूरा सुकून इलाका है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब गाड़ियाँ ऐसे चलती है जैसे पता ही नहीं चलता है। सो गाइस देखें यहाँ पे, ये देखिए हार्ट बनाए हुए हैं और सर्कल्स बनाए हुए हैं, देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं फ्लावर्स हैं और ट्रीज, और ये यहाँ पे है एक पिज़्ज़ा शॉप थी, और मतलब सी ब्लॉक सही ब्लॉक। तो मेरे जो फूफा का घर है ये वाला नहीं है, जो मेरी फूफा का घर है वो है ये वाला नहीं नहीं। तो गाइस देखिए जो हमने पीछे देखे थे वो यहाँ पे भी हैं, और ये जो घर है 278 नंबर का है, और मेरे पप्पा का घर है वो वाला, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा। मेरी तो
गाइस ये है मेरी फूफो का घर और अभी हम लोग डियर के रहबर की कॉलोनी मतलब पहुंच चुके हैं। अभी मैं बैठ जाऊंगी फूफो से बात करूंगी। देखिए यहाँ पे पीजे ने घोंसला बनाया पीजे किचन है। वाओ कितनी प्यारी लग रही है। खानों की छेड़ों वाओ कितनी सोनी बाड हन्ना पिजन फीमेल सालन है वहाँ पे रोटियाँ हैं यहाँ पे चावल है वहाँ पे और सालन है यहाँ पे सैलड है और वहाँ पे कस्टर्ड है ये रायता है और मतलब वो जूस है वो पानी मतलब ये कोका कोला। आपको भी अगर भूख लगी है तो मेरी वीडियो वाली देखें। आपको देख कर यम्मी यम्मी खाना में मुंह में पानी आ रहा है तो वही पी लो करके और रोटी पड़ी है ना वही खा लो। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।